वेलकम बैक दोस्तों, कारोबार की एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक सिल्वर कलर की हुंडई ईयोन लेके आया हूँ। बहुत ही स्पेशल रहने वाला है और बहुत ही रेयर भी है गाड़ी, क्योंकि ये 1 लीटर वाला ईयोन है जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा। हमारे पास भी एक गाड़ी पहली बार आई है स्टॉक में, 1 लीटर वाला गाड़ी हुंडई ईयोन का। बाकी नॉर्मली आप जितने भी हुंडई ईयोन देखते हैं वो सब 800 सीसी वाला इंजन रहता है, ये 1000 सीसी वाला है, स्पेशल एडिशन ईयोन है। इसमें आपको इंजन बहुत ही बड़ा मिलने वाला है और साथ ही में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा गाड़ी में। सिल्वर कलर की गाड़ी है और कार OD02 भुवनेश्वर रजिस्टर्ड है। फ्रंट की तरफ देखेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से फिटेड फॉग लैंप्स मिलेंगे एक्स्ट्रा, और जो इसको इसमें आपको कापा इंजन मिलेगा, और साथ में ये बॉडी का ओरिजिनल i10 वाला आपको इसमें मिरर्स मिलेगा साइड वाला। हैंडल भी सेम बॉडी पेंट के साथ ही आपको मिलेगा। बाकी नॉर्मल ईयोन्स में सब ब्लैक कलर में आता है। मैग्ना मॉडल है 1 लीटर इंजन के साथ। गाड़ी का कंडीशन बहुत अच्छा है, कहीं पे भी डेंट पेंट का काम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा स्क्रैच है, और ये वाला एक छोटा सा, और यहाँ पर एक छोटा सा है। ये 2-3 जगह जो टचअप वगैरह काम ये सब हम आपको करवा के देने वाले हैं इस गाड़ी में। बाकी और कुछ भी कमी नहीं है गाड़ी में, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है गाड़ी। अब एक बार बूट चेक करते हैं इसका, मैं आपको इंजन भी खोल के दिखाऊंगा। पार्शियल ट्रे आपको कंपनी की तरफ से ही मिलेगा इसमें, साथ में यहाँ पर जैक रॉड टूल्स स्पेयर व्हील सब कुछ मिलेगा। साथ ही में इसका फोल्डेबल सीट रहेगा पूरा, ये 100% फोल्ड हो जाता है सीट। इंजन चेक करते हैं इस गाड़ी का। तो ये इसका इंजन आप देख सकते होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है K1.0, मतलब कापा इंजन 1 लीटर के साथ। और नॉर्मल ईयोन से इसमें बहुत बड़ा इंजन है। आप अगर एक बार आएंगे तो मैं आपको 8 लीटर वाला और 1 लीटर वाला दोनों दिखाऊंगा, मतलब 800 सीसी वाला और 1000 सीसी वाला दोनों ईयोन का इंजन दिखाऊंगा आपको। डिफरेंस खुद देखिएगा, स्टार्ट करने से आपको पता चलेगा एकदम ही डिफरेंट है सब कुछ इसमें। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या है इस गाड़ी में। अंदर की तरफ में ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ आपको जैसा नॉर्मल ईयोन में आता है 800 सीसी वाला वैसा ही इसमें मिलेगा। दो आगे का पावर विंडोज, ये चाबी आपको एक अलग देखने को मिल रहा है इस गाड़ी में। बाकी सब ईयोन में आपको नॉर्मल चाबी मिलता है, इसमें आपको ग्रैनाइटिन टाइप वाला चाबी मिल रहा है जिसमें कि आप गाड़ी को अनलॉक एंड लॉक कर सकते हैं। किलोमीटर से गाड़ी 54,000 चला हुआ है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल सर्विस रिकॉर्ड के साथ, बिल्कुल जेन्युइन है। और मॉडल रहने वाला है 2016 का, सिंगल ओनर पेट्रोल। इसमें फीचर्स आपको मिलेगा 2 पावर विंडोज, पावर स्टेयरिंग, रिमोट लॉक, एसी बहुत अच्छा कूल है इसका। और ये जो म्यूजिक सिस्टम है स्टीरियो, ये कंपनी की तरफ से ओरिजिनल आता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, यही आता है स्टॉक इस गाड़ी में, आपको कंपनी फिटेड ही मिलता है इसमें। बाकी यहाँ का आपका छोटा सा क्लब बॉक्स, बाकी सीट्स वगैरह भी देखेंगे तो सब कुछ एकदम बढ़िया कंडीशन में। यहाँ पर ये अपर सीट कवर लगा हुआ है, नीचे का जो था वो थोड़ा लूज हो गया था, उस वजह से हमने उसे ऑलरेडी फेंक दिया। बाकी सब कुछ गाड़ी में ओके प्रॉपर है, पूरा पेपर वगैरह भी सब कुछ ओके है गाड़ी में। इसका आस्किंग प्राइस जो है वो है 2,79,000, जिसमें कि लोन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो 100% फंडिंग हो जाएगा, नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये दे के आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव में। आपको साउंड से ही फील होगा कि मतलब जो बड़ा इंजन है उसका साउंड एकदम डिफरेंट है। 800 सीसी का साउंड जो है बहुत अलग आता है, इसका साउंड पूरा अलग है। वो गाड़ी आपको 800 सीसी वाला अराउंड 20 प्लस भी माइलेज दे देगा, लेकिन ये उतना माइलेज नहीं देगा, ये आपको 17-18 या फिर अगर बहुत ख़राब चलाते हैं आप तो 16 भी देगा ये गाड़ी।
ये नॉर्मल ये ना आप देख सकते हैं 800 सीसी वाला, इसका डोर हैंडल आप चेक कर सकते हैं और मिरर भी चेक कर सकते हैं आप। गाड़ी का स्टार्टिंग साउंड और बाकी सब कुछ ओके है। बाकी सबसे पहले ही जो इस गाड़ी में दिक्कत मुझे लग रहा है वो है इसका स्टेयरिंग व्हील, जो कि इसमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का पूरा काम है, पूरा टेढ़ा चल रहा है इसका स्टेयरिंग। बाकी ये बड़ा खर्चा नहीं है, ये मैक्सिमम अगर इसको एकदम अच्छे से कराएं तो 1000 रुपये का खर्चा है। वाइपर ब्लेड भी इसका ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं। वाइपर ब्लेड तो जितना भी एक साल में एक बार ज़रूर चेंज लगता ही है, क्योंकि धूप के साथ रह रहे वो ख़राब हो जाता है, तो वाइपर ब्लेड भी इसमें चेंज कराना ही होगा। वो भी बड़ा खर्चा नहीं है, 300-400 रुपये में दोनों ब्लेड्स चेंज हो जाते हैं, अच्छे ब्रांड के भी अगर आप लगाएं तो, वरना वैसे तो 200 में भी दोनों हो जाता है। इंजन की बात करूं तो इंजन गाड़ी का एकदम ओके है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पिकअप है गाड़ी में और एकदम डिफरेंट ही फील हो रहा है, मतलब आपको यौन जैसा नहीं लगेगा। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो बाकी फ्रेम और सब कुछ तो सेम है, बाकी अगर सिर्फ पावर की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें पावर फील होगा। हॉर्न भी एकदम इसका डाउन हो गया है, तो हॉर्न भी एक चेंज करना पड़ेगा इस गाड़ी में। बाकी गाड़ी का साउंड और इंजन, गेयरबॉक्स, फीचर सारा कुछ वर्किंग है गाड़ी में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पावर विंडोज़ है, म्यूज़िक सिस्टम है, एसी है या फिर रिमोट लॉक है, सारा कुछ वर्किंग में है। गाड़ी को आप देखने के लिए कार बाज़ार बरगढ़ में विजिट कर सकते हैं और अगर आपको गाड़ी अच्छा लगा तो आप इस गाड़ी का डील फाइनल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए।